नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप लोग अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं किसी कारणवश इस यूट्यूब चैनल पर आगे वीडियो नहीं डाल पाया था और मैं आप लोगों को आरएस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन करा रहा था। तो अब क्या होगा, हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी LCMSF कर रहे थे, LCMSF को आगे बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम इससे पहले कराया था इसी बुक का, और उसके बाद LCMSF स्टार्ट करा था। और एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने डिजिटल सम का, और एक शायद मल्टीपल के ऊपर डिपेंड था वो वीडियो, वो कराया था। और वो वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, और नंबर सिस्टम की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके नंबर सिस्टम से जितने ये मैंने सम विषम वाली संख्याएं बताई थी और जितनी सारी चीज़ें बताई थी वो आगे भी यूज होती हैं। तो अपना बेसिक्स वहाँ से मजबूत कर लीजिए जो वीडियो हमने डाली, क्योंकि वहाँ पर हमने नंबर्स को पूरी तरीके से फिनिश कराया है अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख लोगे तो आगे आगे जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उन्हें समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और इस यूट्यूब चैनल पर मैंने LCMSF का क्वेश्चन नंबर 33 तक करा दिए थे आरएस अग्रवाल बुक का। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका अनुपात है 5:7, ठीक है। और कह रहा इसका लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों, 315। इसका एलसीएम दे रखा है 315। तो पूछा इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जैसे मैंने संख्या इसे एक्स मान ली, इसे वाई मान ली, तो इनका मल्टीपल क्या होगा ये पूछा है। तो देखो एक बात हमने तुम्हें बहुत पहले ही बता रखी है कि ये जो अनुपात दे रखा, जो भी संख्याएं हो उनके साथ क्या होता है, एचसीएफ होता ही होता है। कोई भी संख्या हो उसके अंदर एचसीएफ होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एचसीएफ को मान लेते हैं, यानी एचसीएफ मीन्स मैसेप है, इसे मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं। तो हम जो संख्या बनाएंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होती है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएम कितना, 315। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद करता हूँ। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 5 से कट जाएगा, 5×6 20 और 5×3 15, और ये 7 से कट जाएगा, 9×7=63। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर तुम्हें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो अब देखो हमें संख्या क्या मानी थी, 5x और 7x, ये हमारी संख्या होगी। ये तो हमें अनुपात दे रखा था संख्या का, इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। इससे मतलब क्या, मतलब 5x का मान बताने, जो 5x होगी वो हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी। तो 5 में x के मान जो माने 9 से गुणा कर दी, 9×5=45। इसी तरीके से देखो 7x में आप क्या करो, 9 से गुणा करो, कितना आ गया, 63, 7×9=63। अब इसकी दोनों की हमसे क्या पूछिए, गुणा पूछिए कि इनकी गुणा क्या होगी। तो देखो गुणा करने का नियम हमने आपको बता ही रखा है, एरो नियम, एरो से कैसे करते हैं। इस एरो का मतलब क्या है कि इस 3 की गुणा किस में करनी है, इस 5 में करनी है, समझ रहे बात को। तो 3×15, यानी 3×15 के 5 हासिल आया 1। इस वाले एरो का मतलब है कि इस 3 की गुणा 4 में करो, इस वाले एरो का मतलब है 6 की गुणा 5 में करो। तो 3×4=12 और 6×5=30। तो 2×3, 3×4 कितना हो गया, 43। 43 का यहाँ पे आएगा 3, कितना हासिल बचा, 4। अब इस वाले एरो का मतलब क्या, इसकी गुणा इसमें करो, 6×24, 24×4=28। तो हमसे जो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा था, यानी एक्स वाई का मल्टीपल, तो इसके गुणनफल क्या आएगा, 2835। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 216। कोई भी दो संख्या है एक्स और वाई, यानी इसका योग कितना है 216। ये हमने एक्स वाई मान दे रखा, हमने कहा संख्याओं के साथ एचसीएफ होता है, तो इसमें देखो एचसीएफ जुड़ेगा तब जाके मेन संख्या बनेगी। अभी तो हमने ऐसे हिंट दे दिया कि एक्स और वाई का योग करो कितना आएगा, 216 आएगा। फिर कह रहा है कि इसका महत्तम सहपाठक यानी क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है इसका 27। तो ये संख्याएं क्या, हमसे वो संख्याएं पूछिए, बताओ संख्याएं क्या है। तो अब देखो अगर मैं यहां 27 ले लूंगा, 27x+27y=216, यानी इन दोनों का योग 216 होगा, समझ रहे हो बात को। तो देखो यहां से 27 कॉमन ले सकते हो, 27 कॉमन लोगे तो क्या होगा x+y और ये 216। तो ये 27 से 216 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, यानी x+y=8। तो देखो हमें सहभाजी गुणनखंड, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके पता होना चाहिए, तो अभाज्य संख्याओं में मैंने सहभाजी संख्याओं के बारे में बता रखा, तो आप लोग उन वीडियोज को भी देखा करो। तो देखो सहभाजी मतलब क्या होता है, दोनों संख्याएं अपने अलावा किसी और से नहीं कटेंगी। तो देखो हम यहां से क्या करेंगे, एक अगर मैं x को एक मानता हूं तो y कितना होगा, 7 होगा। अगर मैं x को 2 मानता हूं तो y कितना होगा, 6, क्योंकि 7 और 1 8, 6 2 8। इसी तरीके से अगर मैं इसे 3 मानता हूं तो ये कितना होगा, 5। अगर इसे x को 4 मानता हूं तो ये कितना होगा, 4 होगा, समझ रहे हो बात को। फिर क्या होता है, हम मान निकालने के लिए जो संख्या है तो सहभाज्य होगी, तो अब बार बार तो भाग करके देखोगे नहीं कि किसका एचसीएफ आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करो, दोनों संख्या अगर दो से कट रहे हैं वो संख्या हटा दो, वो कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हटा दिया तो देखो एक तो ये पेयर बना एक और सात का, और एक पेयर बना तीन और पांच का। अब हमें आंसर चेक करना, ये दोनों मान संभव है और दोनों से आंसर आएंगे, तो इस कंडीशन में हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखो पहली संख्या क्या हमने मानी थी, 27x, यानी 27 में 27x में x का मान पुट कर दो यानी एक मान लो, तो इसका मान कितना आ जाएगा 27, और 27 y में y का मान पुट कर दो कितना है 7। तो देखो 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14 × 14 = 18। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 35 था, 35 का ऑप्शन देखो, देखो पहला नहीं मिला, दूसरा तीसरा ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले मान से हमारा आंसर आ गया। अगर ये आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करता हम 3-5 पे मान देखते फिर वो हमारा आंसर होता। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर यहां करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना है 12, कोई भी दो संख्या में मान ली एक्स और वाई, अगर मैं इनका अंतर लेता हूं अंतर कितना होगा, अंतर होगा 12, समझ रहे हो बात को। और इसका महत्तम सहपाठक यानी एचसीएफ कितना होगा 12, ये दो बातें दे रखी हैं आपको। अब हमसे पूछा बताओ ये कौन, ये संख्याएं क्या क्या हैं। तो हमने जब आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था तो एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी और एचसीएफ की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हमने कि कोई सी भी दो मतलब 3-4 संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से कोई सी भी दो संख्या लो जिनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर कम से कम हो, कम हो, तो जो हमारा अंतर आएगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो देखो हमारा अंतर कितना आया 12 और उसका एचसीएफ कितना आया 12, तो इसके मतलब जो हमारा एचसीएफ है वही हमारा अंतर, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया इसका 12 आ गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो देखो तुम शुरू में जो आप लोगों ने वीडियो देखी था हमने उसमें क्या बताया था एचसीएफ की डेफिनेशन, एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करेगी, इसके मतलब जो हमारा एचसीएफ है जो हमारी संख्याएं आएंगी उन्हें पूर्णतः विभाजित करेगा ही करेगा। तो इसको ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन क्या दे रहा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है पहला ऑप्शन 66 / 78, ऑप्शन नंबर बी 70/82, ऑप्शन नंबर सी 94/106 और ऑप्शन नंबर डी 84/96।
84 96 तो देखो 12 हमारा ये संख्याएं तो हैं, इसके मतलब जो हमारा एससीएफ है इससे संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखो 66 नहीं कट रहा, 70 नहीं कट रहा, 106 नहीं कटेगा, इसके मतलब 84 और 12 दो ऐसी संख्या को ऑप्शन डी बचा, और ये दोनों संख्या 12 से कट रहे, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दो संख्या क्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इसका महत्तम समापवर्तक यानी हमारा इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, 3, और एलसीएम कितना दे रखा है, 105। तो तुमसे पूछा क्या है, और इसमें एक चीज और दे रखी, x प्लस y बराबर कितना है दोस्तों, 36। समझ लो बात को। तो तुमसे पूछा 1/x, ये मान पूछा है कि यानी 1/x प्लस 1/y बराबर क्या। तो देखो हमें संख्याएं दे रखी हैं, ये एक्चुअल मान दे रखा है, तो एक्चुअल मान दे रखा है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में से गुणा जैसे, यानी इन दोनों की जब तुम गुणा करोगे तो x y बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 और 3 × 3, यानी कि जब इन दो संख्याओं को गुणा करोगे तो 315 आएगा, और इन दो संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36, यह हमें मान दे रखा था। तो देखो इसे सोल्व करो, यहाँ से तुम क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पे क्या आएगा, वाई प्लस एक्स। तो देखो मान ही तो पुट करना है, एक्स मतलब वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, बात तो एक ही है जोड़ने में, तो इसका यहाँ पे कितना रखोगे, 36, और एक्स वाई कितना है देखो, 315। तो देखो अब यहाँ पे कितना आएगा, ये 9 से कट रहा है, तो 9 × 4 = 36, और ये कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/35, यानी ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, 1:2:3 में हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है तीन संख्याएं हैं, और तीन संख्या किस अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखा है, और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है, और संख्याएं पूछी हैं कि नंबर्स क्या है। जब आपसे क्या पूछा, संख्याएं पूछा हो, जब आपसे संख्याएं पूछे और आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या क्या होगी, जो हमारा पहला अनुपात है उसमें 1 और 12 जो हमारा एचसीएफ है गुणा करते चले जाओ, यानी संख्या में एचसीएफ भी गुणा करते चले जाओ, संख्या आ जाएंगी, तो 12 × 1 = 12, पहली संख्या कितनी है, 12, अगर दूसरी संख्या चाहिए तो 2 में क्या करो, एचसीएफ भी गुणा कर दो, 12 × 2 = 24, अगर तीसरी संख्या चाहिए तो क्या करना है आपको, 3 में 12 की गुणा कर दो, तो 12 × 3 = 36, तो 12 = 24 = 36। जब भी आपको एचसीएफ दे रखा हो और संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, संख्याएं निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ की गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।